अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमें और सुबह सुबह आप लोगों को बैठना पड़ता है, बड़ा दुख की बात है, सच्ची बात तो ये है। और आप लोग बहुत मेरे ख्याल में साल हो गए, साल से भी ऊपर हो गए संघर्ष करते आ रहे हो। जो तक मैं आई थी मैं आपके धरने में 16 से, हाँ तो ये बिल्कुल ही सरकार की मेरे ख्याल में अनदेखी हो रही है पूरी तरह से। विधानसभा सत्र अभी शुरू होने जा रहा है 20 तारीख को, तो आपका मैं मुद्दा उसमें जरूर उठाऊंगी, ठीक है। और आपकी जो भी जायज मांगे हैं उनका हम समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ भाई, अब विपक्ष में होते हुए एक ही काम कर सकते हैं हम, तो हल्ला आपके साथ मचा भी सकते हैं। और हल्ला मचाने में कॉलिंग अटेंशन का जो है नोटिस दूंगी। अब ये लगने तो देंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको ये लगने नहीं देते। फिर भी 0 आवर के अंदर आपका जरूर मैं उठाऊंगी। और वो जो नोटिस दूंगी मैं, वो नोटिस की कॉपी आपके कर रहे हैं NHRM, आप लोग अलग कर रहे हो, मिड डे मील वर्कर्स का अलग है, आंगनवाड़ी वर्कर्स अलग हैं, कर्मचारी जो हैं दूसरे वो अलग हैं, रोडवेज कर्मचारी वो अलग हैं। तो इसका मतलब पूरी तरह से ये जो है ये सरकार से असंतुष्ट होकर सड़कों के ऊपर लोग आते हैं। नहीं तो सच्चाई ये है, हमने भी सरकारें चलाई हैं कि बैठ कर समझौता हो जाते हैं, तो आपसे बैठ के बातचीत नहीं करते क्या ये लोग? बिल्कुल नहीं करिए। हाँ अच्छा, चलो अब मैं आ गई हूँ, अब आपके नियुक्ति भी आऊंगे, फिक्र ना करो। उन्हें पता है नहीं तो ये क्या कहते हैं खड़तूत आरेगी वहाँ पे, तो वो विधानसभा में तो मैं करूंगी। तो अपना जो भी है, आपसे एक मेरी गुजारिश है कि अपनी वो वाली मांगे रखो सारी, जो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी सही है, क्योंकि जेन्युइन कई बार ऐसे होता है ना कि वो बड़ा बनाने के लिए उसके अंदर सारा का सारा इन्फ्लेट कर दिया जाता है, तो उससे फिर क्या होता है कि जो जेन्युइन मांगे भी हैं वो भी रह जाती हैं, है ना। तो मतलब ये दिस इज माई सजेशन टू यू एज अ सिंसियर पर्सन जो वॉन्ट्स की आपका काम हो, ठीक है ना। और बाकी ये मैं भी जानती हूँ कि आप लोग जो काम करते हो इसके बिना तो ये हॉस्पिटल चल ही नहीं सकते। एक तरफ प्रधानमंत्री जी इतनी जोर शोर से ये जो है आयुष्मान योजना, भारत आयुष्मान योजना की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो उस योजना को क्रियान्वित करेंगे उन्हीं की डिमांड्स जो है नहीं सोची जाती। तो ये समझ सकते हैं कि ये सारा का सारे सब जुमलेबाजी है और कोई नहीं, इन्होंने तो दुखी करके रखा हुआ है सबको। तो कोई बात नहीं, अब तो चुनाव जो है बिल्कुल सामने, तीन अभी आचार संहिता लगने जा रही है, पहली या 2 तारीख को लग जाएगी, और उसके बाद जो है 1st of April में आपका जो है वोटें पड़ेंगी। तो उसके अंदर ये आप लोग बड़ा समझदारी के साथ, और आप तो अपने भिवानी के इलाके के हो, तो श्रुति के लिए भी मैं आपके सामने जो है बहुत धन्यवाद। विधानसभा का जो मैं कार्रवाई करूंगी वो आपके पास भिजवा दूंगा। 20 साल 18 साल 15 साल 10 साल इतने हो गए, एक छोटा सा एमओ हमें ये कह दे, अगर हमने उसका छोटा सा कहा उसको ये नहीं कहा कि हमने उसने पानी मांग लिया हमने पानी नहीं दिया, तो वो यू कह देगा जाओ तुम अपने घर, लेकिन इतनी भी जो सिक्योरिटी नहीं है हमारी। 20 साल से कार्य कर रहे हैं और 20 साल कार्य करने के बावजूद भी हर साल हमें कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट को भी मैडम रोक दिया जाता है, एक साल का देते हैं उसमें मैडम हर एम्प्लॉय को 1 साल का नहीं दिया जाता, किसी को 3 का, किसी को 6 का, किसी को 1 महीने का दिया जाता है, और उसको तो हम शिफ्टों में कर दिया 3 महीने का दे, तो सिर्फ ये कर रहे हैं ना खाना खा। हाँ जी हाँ जी हाँ, जो सिक्योरिटी ना होती ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, हमने कैसा भी काम करवाया जा सकता है, जब हमें पता है हमारी नौकरी सिक्योर नहीं है, तो हमें किसी भी तरीके काम के लिए सैलरी में क्लास 4 के बराबर है, जो डॉक्टर है ना हमारे वो भी क्लास 3 की जो पे होती है वो मिलती है। मैं BTEC क्वालिफाइड हूं, मुझे 16 साल की मेरी 28 साल मेरे क्लास में ना आप इसलिए उसका है
तो इसका तो समाधान किस कितने हैं अपने पूरे 70% स्टैंड करता है एनएचएम रेगुलर तो 30% से काम किया 7 दिन में जो काम हमारे करते थे अब पकड़िया रेगुलर का परसेंटेज 30 से रह रहा है समस्त राम जी को साइड में रहो साइड मैडम थोड़ा सा सब कुछ अपना ही एनएचएम का रेगुलर ये सारे काम करते हैं और जो ये अलाइड सर्विसेज हैं पूरी की पूरी हेल्थ सर्विसेज जो हैं उसके अंदर जो है इनको और बढ़ावा जरूर देना चाहिए क्योंकि मैं समझती हूँ 30% अगर जो है रेगुलर स्टाफ है और 70% ये लोग हैं और ये काम कर रहे हैं और फिर इनको अगर इक्विवेलेंट पे स्केल्स नहीं दे सकते तो इनका जो भी है पे स्केल्स वो बढ़ाना चाहिए। मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ इस बात का। अलग अलग जैसे मजदूर हो गए, कर्मचारी हो गए, किसान हो गए, सब हड़ताल पे बैठे हैं, तो जो भाजपा सरकार है कांग्रेस सरकार आने के बाद इन पे क्या नीति, इन पे क्या ये सरकार ने कोई भी जो है हर एक वर्ग जो है वो आंदोलित है, चाहे एनएचएम कर्मचारी हो, चाहे दूसरे कर्मचारी हो, बस वाले कंडक्टर कर्मचारी हैं, बस चालक हैं, वो हैं, अपने मिड डे मील वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, किसान हैं, कौन नहीं है जो आज के दिन आंदोलन नहीं कर रहा। केवल इसलिए ये सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं और जो है तभी जो है मजबूरन बस जो है सड़कों के ऊपर उतरना पड़ रहा है। तो जो अब जो है समय आ गया है और मैं समझती हूँ वोट की चोट के जरिए जो है इस सरकार को समझ आ जाएगी कि जो इन्होंने करा है पिछले 5 साल। क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो इन कर्मचारियों पक्का किया जाएगा? कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित तौर से जो है इनकी जो जायज डिमांड्स हैं उनको हम जरूर आगे करें।